गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सीरीज के अंदर बेटा आज हमारी वीडियो नंबर 2 लेके आ रहे हैं बेटा, वीडियो नंबर 2 लेके आ रहे हैं और ये हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर का जो चैप्टर है उसके अंदर लेके आ रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर। और आज होगा ये 25th of August 2020। फाइन, तो अब हमें क्या करना है, बिल्कुल आपको ये तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, कोई नई चीज़ सीखेंगे, कोई नई चीज़ नहीं सीखनी हमें। और इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश करेंगे हम लोग टॉपिक, पहले इश्यू डिबेंचर फॉर हम कैश करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि इश्यू डिबेंचर कैश में कैसे इशू होंगे उस पर हम बात करते हैं। यानी कि डिबेंचर हम जब इशू करते हैं तो पहले कैश में इशू करते हैं, एक होता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन, और तीसरा होता है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तीन तरह से डिबेंचर हम इशू करते हैं और तीनों में ही एक बनता है केस हमारे पास, डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट। तो एक नई चीज़ हमें सीखने को मिलेगी, वो क्या है, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन सबसे पहले हमारा टारगेट होगा पार और प्रीमियम, तो हमारा पुराना वाला है, डिस्काउंट के कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको करा देंगे। तो कैसे करेंगे हम लोग काम, वो हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाते हैं और मैं क्वेश्चन करके भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, ठीक है बेटा, हम एग्जाम्पल देखना शुरू करते हैं। ये इन्होंने सारा पहले स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया हुआ बेटा, थोड़ा सा इसको भी हम हल्का सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे बेटा। यानी कि वैन इशू प्राइस और डिबेंचर रिसीव्ड इन लमसम, अगर लमसम में मिल जाता है, बिल्कुल आपको हैबिट बनेगी कि बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम कर रहे हैं, कोई हमें पेन पेपर की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाइए, प्रैक्टिकल करेंगे तब बात करेंगे। ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो हम हमेशा क्या एंट्री करते थे, अगर पहले भी आपको मालूम हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू हम लिखते थे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अब आपको केवल क्या वर्ड यूज़ करना है बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अगली एंट्री क्या करते थे हम लोग, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये हमारी ऑन कैपिटल नहीं है, बोरोड कैपिटल है, यहाँ पे डिबेंचर लिखेंगे। परसेंटेज डिबेंचर का मतलब मैंने बताया था कूपन रेट होता है, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया गया, इसका मतलब 8% हो सकते हैं, 9% डिबेंचर होता है, कूपन रेट होता है जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट करता है, इसका कहीं कोई यूज नहीं है। केवल यहाँ पे केवल नाम लिख देना, इनका नाम है, इनका मुखौटा है, ये चेहरे पे लिखा हुआ है 9% है, 8% है, खत्म कहानी। और अगर एक्सेस पैसा आता है तो हम वो एंट्री करते थे, तो हम करते थे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट लिखते थे हम लोग, टू कॉल्स इन एडवांस लिखते थे, वो सारा काम यहाँ पे भी होगा। तो ज़्यादा पैसा आएगा तो उसको हम क्या कर देंगे बेटा, हम लोग रिफंड कर देंगे, ऐसे हम लोग करते आ रहे हैं बेटा। तो ये हमारी बस एंट्रियाँ हैं, केवल यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया बेटा मैंने, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और यहाँ पे डिबेंचर वर्ड मैं यूज़ करूँगा। अगर मान लीजिए इंस्टॉलमेंट में पैसा आता है, बिल्कुल इंस्टॉलमेंट में भी तो पैसा आ सकता है बेटा हमारे पास, तो कैसे करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर हो जाएगा, वहाँ पे लिखते थे हम शेयर एप्लीकेशन, यहाँ आता था शेयर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। होगा क्या बताऊँ, जब सवाल सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन में लिखा होगा डिबेंचर लेकिन आप शेयर लिख देंगे, क्यों, आदत बढ़ चुकी है। एक महीने से हम लोगों ने, एक महीना 5 दिन हम लोगों ने शेयर वाला चैप्टर चलाया करीब करीब। तो ये 2 एंट्री हो गए, पहला पैकेज हो गया हमारे पास ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या होता था, एक्सेस पैसा आ जाता था, वो हम लोग करा करते थे, वो हम क्या करते थे, अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करते थे। इन्होंने अलग अलग एंट्री कर रखी है, यानी किसी एंट्री में जोड़ दूं मैं, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, टू डिबेंचर अलॉटमेंट, वहाँ शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, यानी कि इन तीनों एंट्रियों को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइंड भी करके लिख सकते थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। हम इन तीनों एंट्रियों को वहाँ पे कंबाइंड किया करते थे और क्या लिखते थे हम लोग, डिबेंचर एप्लीकेशन मतलब शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, यहाँ पे इन तीनों एंट्रियों को यानी कि अलग अलग करके दिखा रहा है, हम एक साथ ही करेंगे अभी भी, हमारा तरीका वही होगा बिल्कुल, जहाँ पे हमारे पास प्रोराटा की सिचुएशन बनेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं ये एंट्री, यानी कि ये पहली एंट्री हो गई, और इसको मैंने तीनों को क्या नाम दिया बेटा, मैंने एंट्री नंबर 2 मैंने उसको क्या दिया, नाम दिया। इस एंट्री को हम लोग क्या करते थे, पार्ट्स में डिवाइड करके ना करके इकट्ठे करा करते थे। थोड़ा सा लिख के बताऊँ जरा मैं आपको, मैं यहीं आपको लिख के बता देता हूँ कि ये एंट्री हम कैसे करते थे। ये एंट्री हम करा करते थे, अगर मैं जगह की बात करूँगा बेटा, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे स्पेस को यूज़ करते कर लेता हूँ। इस एंट्री की जगह मैं क्या एंट्री करता था बेटा, मैं एंट्री करा करता था क्या बेटा, यस यहाँ करूँगा मैं डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखूँगा बेटा मैं, यस टू डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर लिख देंगे यहाँ पे, टू क्या लिखेंगे, यस डिबेंचर अलॉटमेंट, वहाँ पे शेयर अलॉटमेंट लिखते थे, टू कॉल्स इन एडवांस, यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस भी आएगा अगर होगा तो, और क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, यानी कि यहाँ पे अलग अलग का दिखा रहा था। तो इस तरीके से इस एंट्री को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास जो एंट्री नंबर 2 होती थी वो हो गई, पहली वाली एंट्री सिंपल जैसे करते थे हम लोग, क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू यस डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, वहाँ लिखते थे हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये पहली एंट्री होती थी, कि हमारी दूसरी एंट्री हो गई। ठीक है, अगर नहीं है तो खाली डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर हो जाएगा,
कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस तरह से हमारे ये दो एंट्री हम लोगों ने करी है। उसके बाद क्या होता था, एंट्री नंबर हमारे 3 डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, वहाँ होता था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे क्या आ जाएगा परसेंटेज डिबेंचर, ये एंट्री नंबर 3 होती थी। ये आ गया हमारे पास क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू, वहाँ लिखते थे हम शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे यस डिबेंचर अलॉटमेंट लिखेंगे, नंबर 4 आ गया। फिर डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, वहाँ पे लिखते थे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लिखते थे यहाँ पे डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, उस तरह से लिखेंगे। और पैसा मिल जाएगा तो एंट्री हो जाएगी एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 6, अगर सेकंड कॉल भी है तो एंट्री नंबर 7 और एंट्री नंबर 2, यानी कि इन केस मोर देन वन कॉल इज मेड तो कॉल्स अकाउंट आर अकॉर्डिंगली टाइटल्ड हम लोग कर देंगे कि डिबेंचर फर्स्ट कॉल है और सेकंड कॉल है। तो इस तरीके से हमें काम करना है, यानी कि वही है सब कुछ, केवल हमें किस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि हमें शेयर की जगह क्या वर्ड यूज़ करना है डिबेंचर। तो यानी कि सबसे पहले हम इश्यू डिबेंचर एट पार पे आ रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आ रहा हूँ बेटा, वो हम लोग देखेंगे अग्रवाल साहब की बुक से, पेज नंबर 9.9 पे हैं, प्रैक्टिस करेंगे आप, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। यानी कि देखिए, आसपी कंपनी लिमिटेड है, उन्होंने 20,000 डिबेंचर इशू करे हैं, 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। स्कूल में कराएंगे तो स्कूल में नॉर्मली आपको इस तरह के कराते नहीं, वो कहते हैं बिल्कुल सेम करके ही आप कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ बिल्कुल इस चीज़ को कवर करेंगे। पेबल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल 2020, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 20,000 डिबेंचर, डिबेंचर वर अलॉटेड ऑन 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को हमने अलॉट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। अब यहाँ सारा का सारा पैसा इकट्ठा आ रहा है, प्लीज़ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मैं लिख के नहीं दिखा रहा क्योंकि आपको मालूम है वहाँ पे लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखते थे, यहाँ पे क्या वर्ड आ गया केवल डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। कितना आएगा बेटा, 20,000 है इंटू कितना करा, कितने का है बेटे, 100 रुपये का है। नॉर्मली आप देखेंगे कि डिबेंचर की पार वैल्यू जो होती है, फेस वैल्यू जो होती है, वो 100 रुपये ली जाती है, ऐसा कोई रूल नहीं होता। जैसे शेयर में ज़्यादातर आप देखते हो 10 रुपये चलती है, वो तो कुछ भी सकती है। डिबेंचर में ज़्यादातर जो सवाल बनाए गए हैं प्रैक्टिस के लिए 100 रुपये के हिसाब से बनाए गए, लेकिन आप पढ़ लेंगे 50 भी हो सकता है और 150 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। और यहाँ पे अगली एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखते थे, लेकिन नहीं, आपके हाथ से शेयर कैपिटल लिखा जाएगा, लेकिन नहीं लिखेंगे 9% डिबेंचर। सर ये 9% का क्या रूल है, कोई रूल नहीं है, केवल ये नाम है, यानी कि डिबेंचर का नाम क्या 9% है, इनके ऊपर 9% ब्याज मिलेगा। क्या ब्याज मिलेगा, वो सारी बात है, यानी कि डिबेंचर देखो कितने रुपए के हैं, 20 लाख के हैं, तो 20 लाख का 9% ब्याज मिलेगा। लेकिन अभी आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी कि 1,80,000 रुपये हर साल ब्याज पे करेंगे, ये टॉपिक अभी नहीं है, ये टॉपिक हम बाद में करेंगे बेटा, अभी कुछ नहीं करना। 9% का कोई भी रोल नहीं है, नहीं है और नहीं है, कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं सर 9% का क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भैया। चलिए जी, अब अगले सिचुएशन पे आते हैं, यानी कि अब हैमर लिमिटेड है, देखिए जी हैमर लिमिटेड भी बन गई है, 4,000 डिबेंचर है, 100 रुपये का है, अब पेबल 20 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन जैसे होता है, एंड बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट 100 रुपये यहाँ है, 20 एप्लीकेशन पे, 80 रुपये अलॉटमेंट पे हो गए। डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, इस लाइन का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। अभी हम एंट्रियाँ कर रहे हैं केवल इशू करने की, बैलेंस शीट बनाने की बात बिल्कुल नहीं करेंगे अभी हम लोग बैलेंस शीट की बात। यानी कि डिबेंचर रिडीमेबल है, रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, इनका लौटाएंगे कब पैसा, यानी कि शेयर के पैसे तो हम लाइफ टाइम बाद लास्ट में उठाते हैं जब कंपनी बंद हो जाती है, लेकिन डिबेंचर का पैसा एक टाइम के बाद लौटाया जा सकता है रिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में, ठीक है। तो 5 साल बाद लौटाएंगे, तो 5 साल बाद लौटाने वाली एंट्रियाँ क्या होंगी वो अलग बात है, अभी हम इशू की एंट्री कर रहे हैं। एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर द इशू डिबेंचर एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट, यानी कि एप्लीकेशन कितने रुपए की है मेरी, 20 पिछले तरीके से, अलॉटमेंट कितने रुपए की है मेरी, 80 रुपए की है, और कितने डिबेंचर मैंने इशू करे हैं यहाँ पे, 4,000 डिबेंचर है, बस खत्म। तो 4,000 के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 4,000 × 20 यानी कितना हो गया, 4,000 × 20 करूंगा, पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, नहीं शेयर नहीं डिबेंचर एप्लीकेशन आ जाएगी, ये 80,000 हो जाएगा। फिर शेयर एप्लीकेशन बोलने में ही वो निकलता नहीं, डिबेंचर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल होता था, वहाँ 10% डिबेंचर, 10% क्या इसका नाम है, कूपन रेट है, मम्मा ने नाम रख दिया इसका, भाई 10% का ब्याज मिलेगा इन पे, ठीक है जी, 10% डिबेंचर हो जाएगा। आगे चलते हैं अलॉटमेंट की, ड्यू की एंट्री करते हैं, तीसरी एंट्री, वहाँ पे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल लिखते थे, या डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर आ जाएगा, जितना भी 10% है, कितना आएगा भाई, 4,000 × कितना करेंगे हम, 80 कर देंगे, ये 3,20,000, ये भी 3,20,000 आ जाएगा हमारे पास, और ये पूरा पूरा रिसीव हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 3,20,000 इन्होंने बैलेंस शीट के बारे में बताया क्या है, थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट कैसे बनाई है, ये आपको बनाना आता है, बैलेंस शीट ऑफ हैमर लिमिटेड एज एट
एक्सट्रैक्ट हैं मालूम ही है, पर्टिकुलर्स, नॉट नंबर, ये। अब यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आता था। पहले हम लिखा करते थे हेडिंग एक शेयर होल्डर फंड लिखते थे, लेकिन शेयर होल्डर फंड तब लिखते हैं जब क्या है, यस, जो शेयर कैपिटल है। यहाँ पे लिखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, यानी कि करंट लाइबिलिटी होती है ना जो एक साल में पे हो जाती है, नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब जो एक साल के, यस, बाद पे करेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी लिखते हैं यहाँ पे। तो उसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग करके लिख देते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग है 1,04,00,000 रुपये की, इसका नॉट नंबर बना देंगे 1। समझा देता हूँ, थोड़ा समझ लीजिए भाई आया तो। फिर यहाँ पे इसके नीचे एसेट्स लिखते हैं, क्योंकि वर्टिकल बैलेंस शीट है, ये एसेट्स हैं। एसेट्स में कौन सी एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, और ये इसका सब हेड आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना कैश आया होगा हमारे पास, बिल्कुल 4,00,000 का होगा। ये वर्किंग नोट नंबर 2, इनके वर्किंग नोट बनाएंगे उन्होंने आगे, वो हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाए होंगे। कुछ नहीं करना वर्किंग नोट में, जैसे वहाँ तो लिखते थे इतनी कहानी थी, कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग में क्या चीज़ है वो बता देते हैं। 4,000 10% डिबेंचर हैं, 100 के एज के कितने के हो गए, 4,00,000 रुपए के पास। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या है, कैश एट बैंक है, ठीक है, कैश इन हैंड भी आता है यहाँ पे, क्योंकि लेकिन डिबेंचर का पैसा बैंक के थ्रू आता है। ये बैलेंस शीट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है ये चीज़, ठीक है। अब चलते हैं इशू डिबेंचर एट प्रीमियम, प्रीमियम पे जाएंगे, यानी कि 100 रुपये का डिबेंचर 110 में, 120 में, 130 में इशू हो जाएगा। डिबेंचर का मतलब मालूम है, लोन है, यानी कंपनी ने लोन लिया है, पैसा कंपनी भी किस में ले रही है, किस्तों में ले रही है। वैसे सोचो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, यानी किसी को पैसा लेना होगा तो इकट्ठा ले लेगी, लेकिन हमें प्रैक्टिस के लिए करना पड़ेगा कि लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि इफ़ कंपनी वॉन्ट्स एंड कंपनी कैन टेक द मनी इन इंस्टॉलमेंट, तो वो हमें फॉलो करना पड़ रहा है। तो एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो आपको मालूम है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कैपिटल रिसीट्स हमारे पास प्रीमियम ऑन इशू डिबेंचर, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आएगा। ये बता देता हूँ दोबारा से एक बार, आपका रिवीजन हो रहा है बेटा, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 पक्का क्वेश्चन बनेगा उसके ऊपर, एक बता रहा हूँ पहले ही मैं। यानी कि इस पैसे को, प्रीमियम के पैसे को कहाँ यूज कर सकते हैं, 5 जगह यूज कर सकते हैं, 5 पांडव हैं ये भी, यहाँ यहाँ यूज होगा। फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो कंपनी के पुराने खर्चे होते हैं, कंपनी बनने से पहले के खर्चे हो गए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, वहाँ राइट ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे एक्सपेंसेस, कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन डिबेंचर ऑफ कंपनी, जो ये डिबेंचर इशू करते हैं इसके लिए प्रॉस्पेक्टस निकालती है कंपनी, एडवर्टाइजमेंट करती है, कमीशन पे करती है, वो सारे खर्चे राइट ऑफ करने में। और प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, यानी कि कल को हमने 1,00,000 रुपये उधार लिया, हमने बोल दिया भाई 1,00,000 की जगह देखो 1,10,000 रुपये दे देंगे हम एक्स्ट्रा, मतलब 1,10,000 दे देंगे, 10,000 एक्स्ट्रा दे देंगे। सर पागल हो रहे हैं कि 10,000 एक्स्ट्रा दे देंगे, हाँ कई बार एक्स्ट्रा दे देते हैं हम लोग, यानी कि उसको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो हमें पैसा उधार दे दे। तो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया उसको बोलते हैं प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर, वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर बता दो, बोनस शेयर अभी देखना आप न्यूज़ में देखना 3:1 के रेशो में, अभी एक कंपनी है आरती ड्रग्स एक कंपनी है बेटा, उन्होंने शेयर इशू करे हैं, यानी कि अगर कोई फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करता है तो जिनके पास 3:1 की रेशो में, मैंने उल्टा बोल दिया, 3:1 वहाँ पे 1:3 की रेशो में, यानी जिसके बाद एक शेयर कंपनी ने उसको 3 शेयर फ्री दे दिए, क्या नाम बताया, आरती ड्रग्स। पता नहीं कोरोना की दवाई ववाई बनाने से क्या रिलेटेड है, कुछ करा है इस कंपनी ने, तो एक के बदले 3 शेयर फ्री दे रही है। 2600 रुपये का शेयर है इस कंपनी का, 2600 का, चेक कर लेना। यानी कि ये हमारे पास फुल्ली पेड अप बोनस शेयर की हमने बात करी थी। फॉर परचेज ऑफ ऑन शेयर, खुद के शेयर खरीदने, वहाँ ये यूज़ ये हो जाता है। और बताया कि प्रीमियम को कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, रिजर्व सरप्लस में दिखाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 की बात करते हैं, इश्यू और डिबेंचर एट ए प्रीमियम, ये नहीं लिखा आएगा कभी भी एग्जाम के अंदर में आपको, जैसे बता रखा है सारा पैसा इकट्ठा आ रहा है। इंटेक्स लिमिटेड है, उन्होंने कितने डिबेंचर इशू करें बेटा, ये 10,000 डिबेंचर है, 10% इसका कोई रोल नहीं है, 100 रुपये का एक है, इसका मतलब 10,000 × 100 = 1,00,000 हो गए। प्रीमियम कितना है, 10% का है, तो 100 का 10% यानी कि 110 रुपये में इशू करा होगा। पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, सारा प्रीमियम इकट्ठा आ रहा है, मतलब सारा पैसा इकट्ठा आ रहा है। एप्लीकेशन व रिसीट फॉर ऑल द डिबेंचर इशूड एंड अलॉटमेंट वाज मेड, अब भाई इनिशियली पैसा आएगा सारा इकट्ठा, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने डिबेंचर हैं, 10,000, 110 के हिसाब से पैसा आ जाएगा, ये सारा पैसा इकट्ठा आ रहा है तो 11,00,000 रुपये आ गए। 10,00,000 बन रहा था ना, 10% प्रीमियम हो गया 1,00,000 रुपये का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे, फिर लिखते थे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू SPR, हटा दो बेटी शेयर, तो डिबेंचर एप्लीकेशन, अब मैं आगे डिबेंचर ही बोलूँगा, टू 10% डिबेंचर टू SPR, ये 11,00,000 आ गया, ये 10,00,000 और 1,00,000, 1,00,000 कैसे आ गया भैया, तो मालूम है ना, 10,000 × 100 और 10,000 × 10, 1 पे 10 रुपये का प्रीमियम हो गया, बताया ना 10% का प्रीमियम है, इस 10% का कभी कोई रोल नहीं है। चलिए जी आगे चलते हैं, हम लोग आगे की तरफ बढ़े, हम लोग इश्यू और डिबेंचर एट ए प्रीमियम, ये तो दिया नहीं होगा, लेमन ट्री कंपनी है,
इलेवन ट्री के होटल्स भी आते हैं, हमने देखा होगा। 5000 डिवेंचर हैं, 100 रुपये का एक है एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, ठीक है जी। पेबल 50 रुपये यहाँ है, 50 रुपये यहाँ है, इसका मतलब एप्लीकेशन पे 50 है, अलॉटमेंट पे 50 रुपये हैं, और एप्लीकेशन व रिसीव फॉर द डिवेंचर, कितने डिवेंचर हैं, 5000 हैं। अब 5000 इंटू 50 कर लो भैया, इनिशियली पैसा आएगा 5000 इंटू 50। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिवेंचर, 9% इनका नाम है। अब क्या करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर टू SPR। हमने ड्यू की एंट्री करते हैं ना अलॉटमेंट के साथ जब करते हैं, तो वहाँ पे लिखते थे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू SPR सिक्योरिटी बीम रिजर्व, वही करा है यहाँ पे भी। कैसे करा, अब प्रीमियम 20% का, ये 50 नहीं है, ये बेटा 70 आएगा, ध्यान नहीं दिया मैंने, 50 जमा में 20 आ गया। कैसे, 100 रुपये का है, 20 का प्रीमियम है, इसका मतलब 120 रुपये का हो गया। 120 का होने का मतलब क्या हो गया, 50 रुपये ये और 20 रुपये का प्रीमियम भी हो गया, तो टोटल 120 टोटल आना चाहिए, तो 50 यहाँ के तो 70 रुपये आएंगे। तो ये हम लोगों ने क्या करा, यस हम लोगों ने क्या करा, अब 5000 इंटू यहाँ पे 70 कर लिया, और यहाँ पे बताइए आपको 5000 इंटू 50 यहाँ आ जाएगा, 5000 इंटू 20 यहाँ आ जाएगा, जो SPR में हमारा चला जाएगा। तो SPR में कितने रुपये आ जाएंगे हमारे, 1,00,000 रुपये आ जाएंगे, और रिसीव कितना हो जाएगा हमारे को, पूरा 3.5 लाख रुपये में रिसीव हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। अब आएगा ये थोड़ा मैं सिखाता हूँ, इश्योर डिवेंचर डिस्काउंट। बस यहाँ पे जैसे SPR को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट किया है ना, ये तो फ़ायदा है, तो क्रेडिट कर दिया। अब डिस्काउंट को क्या कर देंगे बेटा, यहाँ डेबिट कर देंगे, यानी कि सिक्योरिटी में रिजर्व किया गया है, यहाँ साथ में आएगा डिस्काउंट ऑन इश्योर डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे हम लोग, यानी डिस्काउंट का मतलब कंपनी ने कम पे इशू कर दिया, क्या शेयर इशू हो सकते हैं डिस्काउंट पे, आपका आंसर होगा नो, बस एक स्पेशल केस है जहाँ पे स्वैट इक्विटी शेयर इशू होते हैं। चलिए जी, तो होता है क्या है, यानी कम अमाउंट पे इशू करते हैं तो उसको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग डेबिट कर देंगे हम लोग, ठीक है जी। करके देखते हैं, प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे, ठीक है जी। एक्स लिमिटेड है, इशू करें कितने, 20,000 डिबेंचर हैं, 100 रुपये का है, डिस्काउंट कितना है, 4% का है, अप्रैल 2020, 30 रुपये एप्लीकेशन पे हैं, बैलेंस अलॉटमेंट पे हैं। अब भाई 100 का 4% डिस्काउंट निकाला, 4 रुपये आ गया, इसका मतलब टोटल अमाउंट मेरे पास कितना आएगा बेटा, 96 आएगा। जैसे वहाँ 120 निकाला था, प्रीमियम मैंने ऐड कर दिया, अब मेरे पास क्या है यहाँ पे, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है। एप्लीकेशन कितने की बताई इन्होंने, 30 की बता रखी है, कह रहा बैलेंस अलॉटमेंट पे आ रहा है, बैलेंस बचा कितना भैया, बैलेंस बचा कितना मेरा, ये बच गया मेरा 66 बन गया, 66 बन गया, तभी तो मेरा अमाउंट कितना बनेगा, 96 बनेगा। कह रहा पास जनरल एंट्री एंड राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट इन इश्योर डिबेंचर, इसको राइट ऑफ भी करना, बताएंगे राइट ऑफ करने का क्या मतलब होता है, इसके ऊपर पूरा टॉपिक आएगा अलग से। तो ये बता क्या मैं 70-4 माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, ये 70-4 माना जाएगा। सर को समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि डिबेंचर को डिस्काउंट पे अगर इशू किया जाएगा तो कैसे करा जाएगा, यानी कि जब अलॉटमेंट पे हम लेते थे तो वहाँ प्लस करते थे प्रीमियम जो होता था, लेकिन यहाँ पे 66 आ रहे हैं तो 4 रुपये का डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट किस पे माना जाता है बेटा, यस अलॉटमेंट पे माना जाता है, किस पे माना जाता है, अलॉटमेंट पे। अब शुरू करते हैं, यानी कि मेरे पास पहले आएगा 20,000 × 30, पहले एप्लीकेशन का पैसा आ गया 6,00,000 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर आ गया डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर आ गया। अब ये एंट्री सीखनी है मेरे को, तीसरी और ये चौथी एंट्री। अब तीसरी एंट्री में क्या करूँगा बेटा, मैं यहीं से बता देता हूँ आपको, देखिए यहाँ 30,000 इंटू कितना करोगे आप, 66, 30,000 इंटू 4, पहले क्या करते थे, पहले वहाँ वो क्रेडिट होता था SPR, अब यहाँ पे ये क्या होगा, डेबिट होगा, उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका 30,000 × 70, जहाँ तो हमेशा पूरी वैल्यू जाती है, ये अमाउंट आएगा कितना, 13,20,000 या 80,000 × 14,00,000। रिसीव कितना होगा अब आपको, भाई जितना अमाउंट है डिस्काउंट तो रिसीव होता नहीं है, ये 13,20,000 आपको रिसीव हो जाएंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। फिर भी मैं इस एंट्री को आपको यहाँ करके दिखाता हूँ बेटा, यहाँ दिक्कत आती है एंट्री नंबर 3 के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ केवल, एंट्री नंबर जो 3 है वो कैसे मैं करूँगा यहाँ पे, मैं आपको समझाने की यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि मैं एंट्री नंबर 3 इस क्वेश्चन की समझा रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि मैं पहली दो एंट्री तो कर चुका हूँ, अब कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, कितना परसेंट डिबेंचर है, 9% है, बस परसेंटेज है तो नाम लिखना है, आपको याद होगा वहाँ लिखते थे टू SPR, लेकिन यहाँ SPR नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर,
आपको मालूम है हम बेस बना लेते हैं पहले हम लोग। ये हो गया मेरे पास, अब रिसीव की एंट्री करूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कर लूँगा। अब डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना लिखूँगा मैं, यहाँ में लिखूँगा जितने मेरे डिबेंचर हैं, कितने 30,000 डिबेंचर हैं, कितना अलॉटमेंट का बना मेरा अमाउंट 66। यहाँ पे तो हमेशा पार वैल्यू ही आती थी, वहाँ पे हम डिफरेंस SPR में लेते थे ना, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 30,000 × 4 आ जाएगा, ये यानी कि 4 रुपये का मेरा डिस्काउंट हो गया। अब मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 13,20,000, ये 1,20,000, ये आ गया मेरा, या मुझे अमाउंट देखना पड़ेगा, 20,000 डिबेंचर है बेटा, कितने हैं ये 20,000 है बेटा, तो 20,000 के हिसाब से कितना हो गया ये 80,000 हो गया, टोटल बना 14,00,000। लेकिन रिसीव कितना होगा बेटा मुझे, यस 13,20,000 होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर, और प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। डिस्काउंट क्या होगा बेटा, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ये डेबिट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है अब ले सकते हैं एंट्री का, कैसे करेंगे वो बुक में दे रखा था आपको। तो ये है, यहाँ मैंने एक छोटी सी गलती की थी वो हम करेक्ट कर लेते हैं। मैंने गलती से 30,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि डिबेंचर थे कितने हमारे पास क्वेश्चन में, ये 20,000, ये 20,000 और ये 20,000 के हिसाब से आ जाएगा। थिंक सो क्लियर, यही होता है, पढ़ना आसान है अकाउंट्स में, लेकिन करेंगे तो दिक्कत आती है, करते हैं तो ही आपको समझ में आएंगी चीज़ें। चलिए जी, यहाँ पे गए, ये एंट्री आपको एक्स्ट्रा दे रखी है, ये मैं समझाया था, उसका टॉपिक अलग से भी आएगा। यानी कि जो हमारा डिस्काउंट होता है उसको हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे राइट ऑफ करना होता है, यानी डिस्काउंट जो डेबिट है ना, यानी कि जितने भी खर्चे होते हैं हम कहाँ पे ट्रांसफर करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे ना, बस वही है, जो डिस्काउंट जो डेबिट हुआ है ना, इसको जिस साल में ये डिस्काउंट आया है उसी साल में राइट ऑफ करना होता है। मैं फिर से डिवाइड कर बात कर रहा हूँ, पहले कुछ और हुआ करता था, हमें नहीं जानना क्या होता था, यानी कि जो डिस्काउंट हुआ है वो आपका एक तरह का लॉस है, और वो क्या करते हैं राइट ऑफ कर देते हैं, पूरा का पूरा डिस्काउंट पहले साल में राइट ऑफ हो जाता है। कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं इसको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्योर डिबेंचर, यानी कि जो डिस्काउंट हमारा डेबिट हुआ था, जो नुकसान डेबिट हुआ था, ये बड़ी गंगा में जाके मिल जाएगा, उस गंगा का नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, यानी कि नॉर्मली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, लेकिन कंपनियां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती हैं, वो एक स्टेटमेंट बनाती हैं, उसका नाम क्या है, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट वर्ड मत लगा देना है, नंबर कट जाएंगे, और यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देती है। चलिए जी अब आगे चलते हैं, अमाउंट हम पता ही है कि वो नेट वाला लेते हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ओवर सब्सक्रिप्शन की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन को कैसे हम डील करेंगे, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है डील करने के लिए, बिल्कुल वही है जो मैंने एंट्री आपको बताई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम भी हैरान रह गए जब 2012 में आया था, हमने नहीं सोचा कि डिवेंचर के चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता था, है आसान सही। नवलक्ष्मी लिमिटेड से एप्लीकेशन 3,000 डिवेंचर ये इन्वाइट करी इन्होंने, इशू करे, डिबेंचर 100 रुपये का है, प्रीमियम कितना है 50 रुपीज़ पर डिबेंचर है, यानी डिबेंचर कितने का हो गया सर 150 का हो गया। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड और फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, ध्यान दे दिया जाए फुल अमाउंट, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। और 2012 में पहली बार CBSE में क्वेश्चन आया था इतने सालों के इतिहास में, और सब बच्चों के नंबर कटे थे, वो यही साल था, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर 1,00,000 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड, इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, इनको रिफंड कर दिया जाएगा, नेचुरल से बात है दिए ही नहीं, तो डिबेंचर वाला अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट, यानी कि 3,000 डिबेंचर हमने इशू करें, एप्लीकेशन 4 की आई है, एक को हमने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि मैं ये कहूँ यानी कि 3,000 वालों को मैंने 3,000 दे दिए और 1,000 वालों को मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो इनका पैसा मैं क्या कर दूँगा, वापस कर दूँगा। पहले तो मेरे पास पैसा आएगा, आएगा कितने लोगों का आएगा भाई, 4,000 × 150 के हिसाब से आ जाएगा, 6,00,000 रुपये आ गए मेरे पास, बिल्कुल आ गए। अब यह क्या करेंगे, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ कितना करेंगे 4,000 × 150 है तो सेम ही आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये बैंक में कितना पैसा आएगा, कुछ लोगों को वापस भी करेंगे, 1,000 लोगों का पूरा 150 के हिसाब से पैसा क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, और बाकी जो 3,000 हैं उनका 3,000 × 100 और 3,000 × 50 करके दो टुकड़े करेंगे, ये अमाउंट हमारा डिबेंचर में जाएगा और ये किस में जाएगा, SPR में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। मैं रुक देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि नॉर्मल एंट्री है जब सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे आ जाता है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट देखो स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है, इन केस द इशू प्राइस इज पेएबल इन लम सम एंट्रीज में पास थ्रू द डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट इंस्टेड ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, स्पेशली मेंशन करी थी CBSE ने। और 3 नंबर का सवाल आया था बच्चों के, हमने 1.5 हफ्ता काट लिए थे, सब कुछ सही था, अलॉटमेंट वर्ड नहीं लगाया, तो टोटल मिला के हम लोगों ने केवल 1.5 मार्क दिया आउट ऑफ 3, 1.5 तक एनालाइज किया गया था।
बड़ा क्रूशियल ईयर लगा हमें ये वाला, ये इसी कारण से। चलिए बेटा सेवन क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी फटाफट से ख़त्म कर लेते हैं ताकि हमारा इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश का टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाए। इशू ऑफ डिबेंचर एक्स लिमिटेड है, इशू करें 10,000 डिबेंचर हैं 9% के, 100 रुपये का डिबेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 10% है, 110 का हो गया। पेबल 25 रुपये एप्लीकेशन पे हैं, 35 रुपये अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। बैलेंस किसके ऊपर है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। एप्लीकेशन 15,000 डिबेंचर की आई है। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द प्रोराटा बेसिस, एक्सेस एप्लीकेशन मैंने विद अप्लाई टूवर्ड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, सिंपल है। ऑल सम ड्यू वर बी रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन ड्यू डेट, पास जनरल एंट्री, ठीक है। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट वगैरह मैं कुछ बनाने वाला नहीं हूँ। 10,000 इशू करें, 15 वालों को हमने कितने दिए हैं, 10,000 दिए हैं, सिंपल बात तो यहाँ पे ये आई है। अब एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन कितने की है, 25 की है, ये 35 की है, और ये बैलेंस कितना बच जाएगा, ये 40 रुपये बैलेंस बच जाएगा, 40 नहीं 50 बैलेंस बचेगा, तो टोटल 110 आना चाहिए। 110 क्यों आएगा, क्योंकि 10 रुपये का प्रीमियम भी था। अब यहाँ पे 25 का ब्रेकअप दे दिया क्या, 35 का ब्रेकअप, 25 + 10 क्यों, 10 रुपये का प्रीमियम है। अब जैसे नॉर्मल सवाल करते थे वही है, कंपनी ने शेयर इतने इशू करे हैं 10,000 की हैं, लेकिन पहले पैसा कितने का रिसीव होगा, 15,000 का, क्योंकि शेयरों में इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ यहाँ आएगा 15,000 इंटू कितना लिखेंगे हम लोग, यस कितने की एप्लीकेशन है, आप देखेंगे सर 25 रुपये की है। अब इनका क्या होगा, 15 वालों को 10 दिए हैं, तो इनका 5,000 का पैसा क्या हो जाएगा बेटा, 5,000 इंटू 25 के हिसाब से जो भी बनेगा वो इनका पैसा हम एडजस्ट कर देंगे। पहले 15,000 का पैसा रिसीव करेंगे, 15,000 इंटू कितना, ये आ गया हमारे पास 25 रुपये के हिसाब से 375, ये भी हमारा 375 आ गया, 375 आ गया। यहाँ पे क्या करा, 10,000 डिबेंचर इशू करें तो 10,000 इंटू 25 और ये 5,000 इंटू 25, 1,25,000 रुपये कहाँ एडजस्ट हो जाएगा इनका, अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे इतना पैसा काम आ जाएगा। अब अलॉटमेंट कितने रुपये की है, 35 की है, 25 और 10 कैसे करेंगे हम लोग, यस 10,000 इंटू 35 यहाँ कर लेंगे हम लोग, 10,000 इंटू 25 करते आ रहे हैं तो हम लोग 10,000 इंटू 10 यानी कि हमारे पास आ गया 350 और 1,00,000, 3,50,000 आ रहे हैं, 125 ऑलरेडी आ चुका है, तो कितना बच गया हमारे पास, यस 2,25,000 हमारा अमाउंट आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में आ जाएगा। फिर ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल कितने की ड्यू बनेगी, यस 10,000 इंटू 50 से बनेगी, क्यों, फर्स्ट कॉल मेरी कितने रुपए की है, 50 रुपए की है, उन्हें निकाल लिया था, सिंपल ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। 10,000 इंटू 50 कितना आ गया, 5,00,000, ये रिसीव भी कितना हो गया हमारे को, 5,00,000 के हिसाब से रिसीव हो गया, डेट्स इट, बिल्कुल ख़त्म, कुछ डिटेल है ही नहीं हमारे पास। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे, बैलेंस शीट की बात हमें नहीं करनी है, 2-3 रजिस्ट्रेशन और रह रहे हैं, ये भी ख़त्म करेंगे ताकि हमारा इशू डिबेंचर फॉर कैश का टॉपिक ख़त्म हो जाए, और उसके बाद हम इशू डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, प्रोटा अलॉटमेंट रिजेक्शन है, सवॉय लिमिटेड है, 4,000 डिबेंचर इशू करें, 100 रुपये का है, प्रीमियम कितना परसेंट है, 20% है, तो 120 का हो गया। एप्लीकेशन 6,000 की आई है, इट वॉज डिसाइडेड डील विद द सेम, रिफ्यूज अलॉटमेंट ऑफ 1,200, भाई 1,200 वालों को रिफ्यूज़ कर दिया जी। गिव द फुल अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट ऑफ 400 डिबेंचर, 400 वालों को 400 दे दिए। टू अलॉट द रिमेनिंग डिबेंचर ऑन प्रोराटा बेसिस अमंग द अदर एप्लीकेंट, मतलब क्या हुआ भाई, टोटल मेरे पास जो एप्लीकेशन आई हैं वो कितने की आई हैं, 6,000 की आई हैं, इशू कितने करने हैं मुझे, 4,000 करने हैं, बच कितने लोग गए मेरे, देखो 12 और 4 16, ये बच गए मेरे पास 16, जाते कितने बच गए हमारे पास, 4,4400 वालों को कितने दिए होंगे मैंने, टोटल मेरे को 4,3600 दिए होंगे मैंने, ये कैसे निकाला दोबारा देख लेते हैं। टू अलॉट द रिमेनिंग डिवेंचर ऑन प्रोराटा बेसिस अमंग अदर एप्लीकेंट, भाई टोटल 4,000 दे रहे हैं, 400 उसको दे दिए, बच्चे कितने, 3600, यहाँ कितने कैंडिडेट बच्चे अप्लाई करने वाले हमारे पास, 4,400, यानी कि अब इनका पैसा तो क्या होगा, रिफंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 1,200, एप्लीकेशन कितने रुपए की बताई इन्होंने, आगे बता रखा होगा, देखते हैं जरा हम लोग, इनका पैसा रिफंड हो जाएगा और इनका पैसा 800 का क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए जनरलाइज अबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन करेंगे, इशू प्राइस पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, सारा का सारा एप्लीकेशन पे आ जाए, या पेबल इन अलॉटमेंट पे 20 रुपये आ जाए, तो एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट पे 50 और बैलेंस फर्स्ट कॉल पे आ जाए, यानी कि पहली सिचुएशन में तो पता लग गया पूरा इकट्ठा आ जाएगा 120 यहाँ पे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन 20 की है, अलॉटमेंट 50 रुपये की है
और फर्स्ट कॉल कितने की बची मेरे पास? टोटल आना चाहिए 120 आना चाहिए, 70, 50 रह गया। बाय डिफ़ॉल्ट प्रीमियम इंक्लूडिंग प्रीमियम बताए रखा अलॉटमेंट पे, 30 जमा में 20 हो गया ये। ठीक है जी, चलिए करते हैं, सारा पैसा इकट्ठा आ जाए। 6000 इंटू 120 आ गया 7,20,000। यहाँ पे मालूम ही है, यहाँ पे ब्लैंक क्यों छोड़ दिया? क्योंकि परसेंटेज का नाम नहीं दे रखा था तो हमने बना के छोड़ दिया। यहाँ पे क्या होगा, अब डिबेंचर तो हमने 4000 इशू करें, 4000 इंटू 100 प्रीमियम अलग चलेगा, 4000 इंटू 20, बाकी 2000 का 120 रुपये के हिसाब से सबका पैसा क्या कर दिया इन्होंने, रिटर्न कर दिया यहाँ पे, क्योंकि उनको हम दे ही नहीं रहे, क्योंकि एडजस्टमेंट वाली बात ही नहीं थी, सिस्टम यही था 6 वालों को 4 दिए, इसका मतलब 2 के 2, यानी कि ये प्रोराटा वाली बात ही नहीं थी, जब सबको इकट्ठे इकट्ठे दे दिए तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ये तो तब एडजस्टमेंट की बात आती है जब हम लोग क्या करते हैं, उनका पैसा आगे किस्तों में मंगवाते हैं। तो यहाँ तो खत्म हो गई कहानी, अब आ गई ये वाली, अभी हमारा पुराना शेयर वाला तरीका हो गया भाई। पहले 6000 का पैसा इकट्ठा कर लो, कितने रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 20 रुपए की है, 1,20,000 आ गया। अब 1,20,000 के टुकड़े होंगे, यहाँ पे कितना अलॉटमेंट, कितने का पैसा एडजस्ट होगा, 800 इंटू 20 एडजस्ट होगा, इनका 1200 का पैसा क्या होगा, रिटर्न होगा। ये 800 का एडजस्ट क्या हुआ लिखा था हम लोगों ने, ये 1200 का क्या होगा, रिफंड हो जाएगा पैसा, ये रिफंड हो गया, एडजस्ट हो गया। बाकी जो 4000 हैं वो तो हमारे इशू हुए ही हैं, फाट जा रहेंगे। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा कम रिसीव होगा, 16000 कम होगा। अलॉटमेंट कितने की ड्यू बनेगी, 50 रुपये का है, कितने डिवेंचर थे, 4000 इंटू 50 करेंगे, देखो किया है क्या, बिल्कुल किया है यहाँ पे, 4000 इंटू 50, उसका भी ब्रेकअप है 4000 इंटू 30, और तो कितना ब्रेकअप आया, 2,00,000 आ गया। 2,00,000 में से कितना मिल गया आपको बेटा, अब जो 16,000 मिल चुका था तो 184 आ जाएगा। फिर हमने फर्स्ट कॉल ड्यू कर दी है, वही 4000 इंटू 50, 2,00,000 की ड्यू करी और 2,00,000 ही हमें रिसीव हो गया, तो यहाँ उतना बड़ा कोई इशू नहीं था। अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ आता है। अंडर सब्सक्रिप्शन है बस जितने शेयर आए हैं, डिबेंचर आए हैं मतलब, उससे हम लोग क्या पास कर लेंगे, एंट्री पास कर लेंगे, कोई टेक्निकल इशू यहाँ पे नहीं है। देखते हैं रजिस्ट्रेशन रैंक क्या देता है, यानी कि सिटीजन वॉच लिमिटेड है, 7500 डिबेंचर इशू करें, 100 रुपये का है, एट पार है, सब्सक्रिप्शन पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन सारा है एप्लीकेशन पे, रिसीव 7000 की हुई है, तो बस 7000 से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बस। तो कितना करेंगे, 7000 इंटू 100, सारा पैसा आ रहा है और सारा पार पे ही है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 7,00,000 रुपये, और ये 7,00,000 रुपये से ही हम लोग पैसा डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, 10वां क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, एलिगेंट लिमिटेड है, एलिगेंट सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयरों की है, 11% डिबेंचर है, प्रीमियम 10% का है, यानी कि 110 रुपये का हो गया, पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, सब्सक्रिप्शन 9,000 की रिसीव हुई है, तो हमें कैसे एंट्री पास करनी होगी, यहाँ 9,000 से करनी होगी। ठीक है जी, तो 9,000 इंटू 110 के हिसाब से कर लेंगे, ये देखिए 9,000 इंटू यहाँ पे 110 के हिसाब से कर लिया, 9,90,000 आ गया, यहाँ भी 9,90,000 आ गया, और उसको फिर हम लोगों ने जो एक्सेस तो आया नहीं है, कोई मतलब ही नहीं कि अंडर सब्सक्रिप्शन है, प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम में डाल दिया और बेसिक अमाउंट हम लोगों ने डिवेंचर में डाल दिया। एक और करते हैं हम लोग, यहाँ पे हनी लिमिटेड है, 10,000 डिवेंचर है, 100 रुपये का है, 60 रुपये एप्लीकेशन पे है, बैलेंस अलॉटमेंट पे है, मतलब 40 हो गया, 9,000 की एप्लीकेशन आई है, 9,000 से करेंगे, एप्लीकेशन पे कितना आया है, 60 आया है, अलॉटमेंट पे कितना हो गया, 40 हो गया, क्वेश्चन कितने सॉल्व होगा, 9,000 से होगा, तो कितना करेंगे, पहले 9,000 इंटू 60 किया, 5,40, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन इंटू परसेंटेज डिबेंचर, भाई ये ध्यान रखना, वहाँ शेयर एप्लीकेशन था, यहाँ डिबेंचर एप्लीकेशन है, 5,40 आ गया, फिर अलॉटमेंट पे कितना आएगा, बाकी 9,000 इंटू 40 आएगा, 360 आएगा, और 360 मुझे क्या हो गया, रिसीव हो गया। तो इस तरीके से मेरा ये टॉपिक खत्म होता है, दूसरा टॉपिक शुरू करूंगा मैं, इशू डिवेंचर फॉर कंसोलिडेशन अदर देन कैश, ये मैं अगली वीडियो में करूंगा, लेकिन इससे पहले एक बात बता रहा हूं मैं आपको, ये चैप्टर बहुत आसान है, मेरे साथ साथ करते रहिए, मेरी गारंटी की बात है, बहुत अच्छा आपका इस पर कमांड हो जाएगा। अब पीछे वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो आपको बता देते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, केवल 9 क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक के ऊपर है, इससे आपका हाथ साफ हो जाएगा बेटा, और कुछ नहीं है बेटा, हाथ साफ होने का मतलब क्या है, 11 क्वेश्चन है सॉरी, हाथ साफ होने का मतलब क्या होता है कि डिबेंचर लिखने की प्रैक्टिस यहाँ से आपको अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप ये देख लीजिए, देखिए 5 मिनट में वाइफिकेशन करते हैं, 2000 डिबेंचर हैं, 25 रुपये यहाँ आ रहे हैं, 25 यहाँ आ रहे हैं, 50 यहाँ आ रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये मोहित लिमिटेड का है, 2400 डिबेंचर हैं, 2000 हैं, 1800 को फुल कर लिया, प्रोराटा का हो गया, ऐसे वीनस लिमिटेड का हो जाएगा, फिर आप करेंगे ये, आज आपने आज ही प्रैक्टिस कर डाली है इनकी बेटा, इश्योर डिबेंचर एट प्रीमियम फॉर कैश, ये प्रीमियम वाले एंट्री आ गई है बेटा हमारे पास,
और यहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर करें, ये विजयलक्ष्मी लिमिटेड का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मार्क कर दूंगा साथ साथ में बेटा। एक सातवां भी कर लीजिए क्योंकि ये भी बोर्ड में पहले हमारा आया हुआ है, करेंगे तो सारे ही, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे फिर डिस्काउंट के हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर अगले टॉपिक में आएंगे इशू डिवेंचर फॉर कंसल्टेशन अदर देन कैश, छोटा चैप्टर है और इसके अंदर मात्र कितने क्वेश्चन हैं बेटे आपके, 48 क्वेश्चन केवल है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे से हैं। देखो 11 क्वेश्चन तो आज ही हमारे हो गए। थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में लेके आएंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कंसल्टेशन अदर देन कैश, ये भी हमारा टॉपिक काफ़ी हद तक पहले किया हुआ है, बस जस्ट हम एक रिविजन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।